गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे वो है आइसोस्पिन का मीनिंग, द मीनिंग ऑफ आइसोस्पिन एंड कंजर्वेशन लॉ रिगार्डिंग इट, इसके संरक्षण का नियम, संभारिक प्रचक्रण का अर्थ तथा इसके संरक्षण का नियम, आइसोस्पिन मीनिंग एंड इट्स कंजर्वेशन लॉ, ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हम लास्ट लेक्चर में एग्जैक्ट कंजर्वेशन, हम कंजर्वेशन लॉज के बारे में पढ़ रहे थे अभी इन दिनों, और हमने हमारा जो एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ है उनके बारे में, सब लॉज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये जो कंजर्वेशन लॉ जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ, ये एक अप्रॉक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ है, यानी आज से हम कंजर्वेशन लॉ में ही अप्रॉक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले जो लॉ हम उसमें पढ़ेंगे वो है आपका आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। अब सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं हम, तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग से स्टार्ट करेंगे कि कहाँ से ये कंजर्वेशन लॉ आपका क्यों हमें इस कंजर्वेशन लॉ को लाने की ज़रूरत पड़ी। इसका मीनिंग, प्रबल अनोन्य क्रिया करने वाले मूल कणों के अध्ययन से यह पता चला कि कणों के ऐसे बहुकों की कल्पना की जा सकती है जिनमें विचार किए गए मूल कणों के लिए, दो बार आ गया है ये, प्रबल अनोन्य क्रियाएं एक समान होती हैं। अब देखिए, मैं इसको आपको समझा देती हूँ इजी लैंग्वेज में। जब आप स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, या वो पार्टिकल्स जिनमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस देखे गए, तो उन पार्टिकल्स में कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी थे जो कि जिनको आप मल्टीपल्स बोल रहे हो, अभी आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ में संभारिक प्रचक्रण के नियम में आप उसको उनको बहुक या मल्टीपल्स कहते हो, तो वो जो पार्टिकल्स हैं उनमें वो जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो एक जैसे देखे गए, समान देखे गए। तो ऐसे पार्टिकल्स जिसमें जो प्रबल अनोन्य क्रिया हैं वो एक तरीके की देखी जाए, एक तरीके की मतलब स्ट्रेंथ उनकी एग्जैक्टली सेम हो, जबकि पार्टिकल अलग अलग हैं पर जो उनकी स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस की वो बिल्कुल एक जैसी है, तो स्ट्रेंथ की बात कर सकते हैं हम, और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस में हम बात कर सकते हैं, जनरली हम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में स्ट्रेंथ की ही बात करते हैं। तो अगर उन दोनों पार्टिकल्स में वो जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस की आप बात कर रहे हो वो एक तरीके की हो रही हो, इंटरेक्शन एक तरीके की हो रही हो, अनोन्य क्रिया एक तरीके की हो रही हो, तो उन पार्टिकल्स को हम मल्टीपल्स कहते हैं, बहुक कहते हैं। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, प्रबल अनोन्य क्रिया करने वाले मूल कणों के अध्ययन से, जब हमने स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस जिन पार्टिकल्स के बीच में हो रहा है उन पार्टिकल्स को हमने स्टडी करा, उनका अध्ययन करा, तो हमें ये पता चला कि कणों के ऐसे बहुकों की कल्पनाएं की जा सकती है, मतलब हम कण में भी ऐसे मल्टीपल्स, ऐसे बहुक मान सकते हैं जिनमें विचार किए गए मूल कणों के लिए प्रबल अनोन्य क्रिया एक समान हो, मतलब उन मल्टीपल्स में वो जो आपकी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हो रही हो वो बिल्कुल एक जैसी हो रही हो। अब इसका एग्जाम्पल इन्होंने इससे दिया है कि जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसके बारे में आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैम ने पढ़ा रही होंगी आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शंस होती हैं वो बिल्कुल एक जैसी होती है, और वो उनके चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो उनके चार्जेस में डिफरेंस आ गया, उनके चार्जेस में डिफरेंस है फिर भी उनमें इंटरेक्शंस जो हो रही हैं वो बिल्कुल एक जैसी हो रही है, तो बहुत ये सरप्राइजिंग बात है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया नंबर आपका हम कह सकते हैं डिस्कवर हुआ, जिसे हमने बोला संभारिक प्रचक्रण या आइसोस्पिन के बारे में हमने बात करी। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रबल अनोन्य क्रियाएं इनके आवेश पर निर्भर नहीं करती, यही चीज़ मैंने आपको बताई थी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान लगभग बराबर है तथा इनका स्पिन भी बराबर है। जब हम पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन हमने स्टार्ट करा था सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, तो आपने फॉर्मियॉन्स की और बोजॉन्स की बात करी थी, तो फॉर्मियॉन्स में जो पार्टिकल्स की हमने बात करी थी तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भी हमने बात करी थी, तो इन दोनों की जो स्पिन आ रही थी वो कितनी आ रही थी, हाफ आ रही थी, तो इनका स्पिन भी बराबर है, इनका चार्ज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और इनका मास लगभग सेम है, मतलब मास इनका नियरली सेम है।
तो इनका मास सेम है, इनका स्पिन सेम है, पर फिर भी पर इनका चार्ज बिल्कुल अलग अलग है। एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे चार्ज ही नहीं है। स्टिल जो इनमें प्रबल अनोन्य क्रियाएं होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होते हैं, वो बिल्कुल लगभग समान होते हैं। पी पी, एन एन तथा पी एन, जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशंस बनाओगे एक न्यूक्लियस के अंदर, तो बॉन्डिंग जो हो सकती है, बंध जो बन सकता है, वो किस में बन सकता है? प्रोटॉन प्रोटॉन में बन सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में बन सकता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बन सकता है। तो यही इनके बीच में ही इंटरेक्शंस होगा, तो प्रबल अनोन्य क्रिया है। तो इन इंटरेक्शंस की, इस बॉन्ड की जो आप बात करते हो, तो बॉन्ड की बात करो तो बॉन्ड लेंथ की आप बात करोगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करोगे, और एनर्जी की बात करोगे कि बॉन्ड टूटने में या बॉन्ड बनने में लगने वाली एनर्जी। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, ये क्या होती है इन तीनों ही बॉन्ड में, पी पी बॉन्ड में, एन एन बॉन्ड में और पी एन बॉन्ड में, एक समान होती है। अतः प्रबल अनोन्य क्रियाओं के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही कण की दो अवस्थाओं की भांति व्यवहार करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको आप कंबाइनली न्यूक्लॉन कह रहे हो, ये एक ही कण की दो स्टेट्स हैं। जैसे हम स्टेट की बात करते हैं ना, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ही पार्टिकल की दो स्टेट्स हैं। ऐसा हमने क्यों बोला? क्योंकि इनमें जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हो रहे हैं, वो इनके चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। इन दोनों में होने वाले जो इंटरेक्शंस हैं, वो बिल्कुल सेम हैं। इन्हें एक, क्योंकि ये एक ही पार्टिकल की दो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम इनको डबलेट भी कहते हैं, या डबलेट इनको माना जा सकता है। मुझे लगता है आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। इसी तरीके से आपने मेसॉन्स की बात करें, तो मेसॉन्स जब आप बात करते हो, तो पाई मेसॉन्स की बात करते हो, तो जो पाई मेसॉन्स होते हैं, वो तीन तरीके के होते हैं। पाई प्लस होता है, पाई ज़ीरो होता है, और पाई माइनस होता है। तो ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं, ये भी बहुक की तरह काम करते हैं, पर ये त्रिक बहुक यानी ट्रिपलेट मल्टीपल की तरह काम करते हैं, क्योंकि तीन है। ऐसे ही सिग्मा की आप बात करते हो, तो सिग्मा पार्टिकल्स, जिनकी स्ट्रेननेस की बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया था, विचित्रता के आधार पर, तो ये तीन तरीके के होते हैं, सिग्मा प्लस, सिग्मा ज़ीरो और सिग्मा माइनस। तो ये भी तीन है, तो ये भी आपका ट्रिपलेट की तरह काम करेंगे। अब के प्लस, के माइनस, के ज़ीरो, के ज़ीरो बार, तो के ये आपके डबलेट्स की तरह काम करते हैं। तो डबलेट किन किन दो पार्टिकल्स में आपकी क्रियाएँ समान मिलती है? एक तो के प्लस और के ज़ीरो में, और एक के माइनस और के ज़ीरो बार में। तो ये भी आपका एक डबलेट की तरह काम करेगा, और ये भी आपका एक डबलेट की तरह काम करेगा। अब मैं बात करती हूँ ज़ाई की, तो ज़ाई आपके दो पार्टिकल्स होते हैं, एक ज़ाई ज़ीरो होता है और एक ज़ाई माइनस होता है, तो ये भी एक डबलेट की तरह काम करता है। पर कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जो कि सिंगलेट की तरह, एकक की तरह काम करते हैं। जैसे ओमेगा माइनस एक सिंगल पार्टिकल होता है, लैम्डा आपका एक सिंगल पार्टिकल होता है, ईटा आपका एक सिंगल पार्टिकल होता है, तो तीनों पार्टिकल्स आपके सिंगलेट की तरह काम करते हैं। ये तो हुई आपकी मीनिंग की बात। अब कणों के बहुक की कल्पना को साकार करने के लिए एक नए क्वांटम संख्या, अब आइसोस्पिन जैसा कोई टर्म होती भी है, इसको मतलब लाने के लिए, कन्फर्मेशन लाने के लिए हमें एक मैथमेटिकल टर्म की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने एक नया क्वांटम नंबर डिस्कवर किया, जिसे हम कहते हैं आइसोस्पिन क्वांटम नंबर। इस क्वांटम संख्या को हम आइसोस्पिन या संभारिक प्रचक्रण कहते हैं, आइसोस्पिन क्वांटम नंबर। जैसे बैरियन नंबर हुआ, लेप्टॉन नंबर हुआ, वैसे ही आपका एक नया नंबर जनरेट हुआ, जिसे हम कहते हैं आइसोस्पिन क्वांटम नंबर। अब संभारिक आइसोस्पिन प्रचक्रण आई के संगत इसके जेड घटक, अब मैं इसके कंपोनेंट्स की बात करती हूँ, घटकों की बात करती हूँ। तो जब मैं आई का जेड घटक देखती हूँ, जेड एक्सिस के अलाउंग इसका कंपोनेंट देखती हूँ, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई थ्री से। और इस आई थ्री के जो मान होते हैं, मतलब आई थ्री की कितनी वैल्यूज़ होगी, आई की जैसे एक वैल्यू है, तो आई थ्री की कितनी वैल्यूज़ होगी, आई थ्री की टू आई प्लस वन वैल्यूज़ दी जाती है, यानी टू आई प्लस वन जो हो गई, वो क्या हो गई, इसकी मल्टीप्लिसिटी हो गई। आई मान वाले एक बहुक की बहुलता कितनी होती है, मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है, 2i प्लस 1 होती है। मतलब i3 के कितने मान होंगे, 2i प्लस 1। तो i पे डिपेंड करेगा कि i3 के कितने मान होंगे। इसको, इनको, i को अगर हम बहुक कहते हैं तो इसको हम बहुलता कहते हैं, एक को अगर हम मल्टीपल या मल्टीप्लेट कहते हैं तो 2i प्लस 1 को हम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। अब हम इनको निकाल के देखते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं अगर सिंगलेट पार्टिकल है, जैसे आपका ईटा ज़ीरो है, ओमेगा माइनस है और लैम्डा ज़ीरो है, तो ये तीनों पार्टिकल सिंगली सस्टेन करते हैं, एक एक ही रहते हैं, तो इसके लिए जो आई की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। तो आई थ्री की वैल्यू भी अगर आप टू आई प्लस वन से निकालेंगे तो एक ही आएगी, एक ही वैल्यू आएगी टू आई प्लस वन, आई की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो एक वैल्यू आएगी एंड दैट विल बी ज़ीरो। यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा तो आई थ्री भी वो वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब हम बात करते हैं हाफ़, अगर आई की वैल्यू हाफ़ है तो आप टू आई प्लस वन में हाफ रखेंगे तो वो आ जाएगी आपकी थ्री, यानी आई थ्री की कितनी वैल्यू, मल्टीप्लिसिटी कितनी आई, तीन। तो अगर आई सॉरी दो आई, अगर आप आई इज इक्वल्स टू हाफ रखोगे तो आपकी कितनी आएगी, दो आएगी, ठीक है। तो देखिए पहले वाले केस में एक ही वैल्यू आ रही थी तो वो सिंगलेट कहलाया, ठीक है। तो सिंगलेट आपके एग्जांपल्स हो गए तो उनके लिए आई की वैल्यू कितनी रहेगी, ज़ीरो, और आई थ्री की वैल्यू भी क्या रहेगी, ज़ीरो। जब आप आई इज इक्वल्स टू हाफ रखेंगे तो आई थ्री की वैल्यू आएगी दो, तो एक वैल्यू हो जाएगी प्लस हाफ और एक हो जाएगी माइनस हाफ, इसलिए हम इस चीज़ को कहते हैं डबलेट। अब जब आप आई की वैल्यू वन रखोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, तीन वैल्यू आएगी, तो तीन वैल्यू कौन कौन सी होगी, प्लस वन, ज़ीरो और माइनस वन। तो ये किसकी तरह काम करेगा, ट्रिपलेट की तरह। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ और हम देखते हैं कि जब आई की वैल्यू सिंगलेट के लिए आप देखते हो तो आई और आई थ्री का मान क्या आएगा, समान आएगा, क्योंकि आई अगर ज़ीरो है तो आई थ्री भी ज़ीरो है। तो एक यही एक केस है जब आई और आई थ्री की वैल्यू क्या आ रही, सेम। नहीं तो आई का मान समान हो सकता है किसी भी आपके बहुक के लिए या बहुक मल्टीपल्स के लिए, पर कभी भी आई थ्री की वैल्यू सेम नहीं होगी। अगर हम डबलेट के लिए कंसीडर करते हैं तो हाफ, प्लस हाफ और माइनस हाफ आती है, एक के लिए प्लस में आ रही है, एक के माइनस में आ रही है। आई के मान समान होंगे मल्टीपल्स के लिए, पर आई थ्री के मान कभी भी समान नहीं होंगे। ट्रिपलेट के केस में प्लस वन, ज़ीरो, माइनस वन। इसी तरीके से अगर टू आएगी तो प्लस टू, प्लस वन, ज़ीरो, माइनस वन और माइनस टू हो जाएगी। अब हम ये कहते हैं कि एक संभारिक प्रचक्रण बहुक आइसोस्पिन मल्टीप्लेट के कणों का यदि औसत आवेश, जितने भी आपने मल्टीपल्स निकाले, जैसे आपने सिग्मा की बात करी तो सिग्मा प्लस, सिग्मा ज़ीरो, सिग्मा माइनस है, तीन मल्टीपल्स हो गए, इनका आपने एवरेज चार्ज निकाला, औसत आवेश निकाला, तो वो कितना आया, क्यू बार आया। तब उस बहुक के कण के संभारिक प्रचक्रण, अब मैं एक उसमें जैसे सिग्मा प्लस, सिग्मा ज़ीरो, सिग्मा माइनस में, मैं अगर सिग्मा प्लस का अगर मुझे संभारिक प्रचक्रण मतलब आइसोस्पिन निकालना है, आइसोस्पिन का तीसरा घटक अगर मुझे निकालना है, तो उसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ चार्ज, आवेश के टर्म्स में क्या होगा, क्यू माइनस क्यू बार। क्यू आपका उस पर्टिकुलर मल्टीप्लेट का चार्ज हो गया और क्यू बार औसत चार्ज हो गया सभी मल्टीप्लेट्स का, सारे बहुकों का, ठीक है। तो Q माइनस क्यू बार, यदि एक कण और प्रतिकण के I का मान मापन समान है, समान प्राप्त होता है, लेकिन एक कण और उसके प्रतिकण के I3 का मान विपरीत होते हैं। I3, देखिए मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई है कि अगर आप एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की बात करते हैं तो पार्टिकल एंटी पार्टिकल के लिए I का मान समान हो सकता है, पर कभी भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के लिए आई थ्री जो कि थर्ड कंपोनेंट है आपका आइसोस्पिन का, उसका मान कभी भी समान नहीं होगा। एक के मैग्नीट्यूड तो सेम होगा पर साइन से वो क्या हो जाएगा, अलग। अगर एक का प्लस हाफ आ रहा है तो दूसरे का माइनस हाफ आएगा, एक का अगर प्लस वन आ रहा है तो दूसरे का माइनस वन आएगा। और जो आपका आई थ्री होता है वो एक एडिटिव क्वांटिटी होती है, यानी कि मैं हाफ, प्लस हाफ, माइनस हाफ ऐसे करके एवरेज टोटल वैल्यू निकाल सकती हूँ, मतलब ऐड कर सकती हूँ, जैसे सिंपल एडिशन करते हैं। आई थ्री एक योगात्मक क्वांटम संख्या है, इसकी मैं आपको टेबल दिखाना चाहती हूँ। देखिए ये है टेबल आपकी, जैसे हम सिंगलेट की बात कर रहे थे तो ईटा ज़ीरो, लैम्डा ज़ीरो, ओमेगा माइनस, तो इसके लिए आई सो स्पिन यानी आई की वैल्यू कितनी हुई, तीनों सिंगलेट्स हैं तो ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, तो आई थ्री जो कि थर्ड कॉम्पोनेंट है आइसोस्पिन का, उनकी भी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। तो आई और आई थ्री सिंगलेट के लिए क्या आते हैं, सेम आते हैं। इस टेबल से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब मैं बात करूँ डबलेट की, तो डबलेट में हमने बहुत सारे डबलेट्स के बारे में पढ़ा है, जैसे के प्लस और के ज़ीरो डबलेट की तरह काम करते हैं। तो एक आइसोस्पिन की वैल्यू हाफ हाफ, आई की वैल्यू तो सेम आ गई, पर एक के लिए प्लस हाफ होगी, दूसरे के लिए माइनस हाफ होगी। ऐसे ही के ज़ीरो बार और के माइनस के लिए ध्यान रखिएगा ऑर्डर लिखते वक्त,
कि के जीरो बार ऊपर लिखा जाएगा और के माइनस नीचे, क्योंकि फिर इनका आई थ्री कॉम्पोनेंट इसी अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो प्लस इसका हाफ हाफ तो आई से स्पिन हो गया, और इसका थर्ड कॉम्पोनेंट यानी आई थ्री वो होगा प्लस हाफ और माइनस हाफ। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मैंने आपको बताया था कि एक ही पार्टिकल की दो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्लस हाफ हाफ और प्लस हाफ माइनस हाफ। ऐसे ही जो आपका जाई होता है, जाई जीरो जाई माइनस, वो भी डबलेट की तरह काम करते हैं, द्विक की तरह काम करते हैं, और प्लस हाफ और माइनस हाफ। अब मैं बात करती हूँ मेसॉन्स की, तो मेसॉन्स में आपके तीन मेसॉन्स होते हैं, पाई प्लस, पाई जीरो, पाई माइनस, ट्रिपलेट्स हो गए ये। तीनों के लिए आई की वैल्यू वन रहेगी, एक के लिए प्लस वन, एक के लिए जीरो, एक माइनस वन। ये मैंने आपको बताया ही था कि पाई प्लस जो हो, पाई माइनस जो होता है वो पाई प्लस का एंटी पार्टिकल होता है। तो देखिए पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के लिए जो वैल्यू आ रही है, एक के लिए अगर प्लस वन आ रही है तो दूसरे के लिए माइनस वन आ रही है। दोनों का मान तो सेम है पर साइन में डिफरेंस आ गया पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में। ऐसे ही और पाई जीरो तो आपका न्यूट्रल पार्टिकल है, तो एक तरीके से न्यूट्रल पार्टिकल ही हो गया, यानी सिंगलेट हो गया। तो सिंगलेट के लिए वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। ऐसे ही सिग्मा प्लस, सिग्मा जीरो, सिग्मा माइनस की हम बात करें तो आई तो वन हो जाएगा, पर सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस पार्टिकल एंटी पार्टिकल की तरह काम करते हैं, तो एक के लिए प्लस वन और दूसरे के लिए माइनस वन। और सिग्मा जीरो एक तरीके से सिंगलेट हो गया, तो उसके लिए आई थ्री की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। हालांकि आई की वैल्यू तीनों के लिए क्या है, सेम है। तो मुझे लग रहा है आपको आइसोस्पिन वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कंजर्वेशन लॉ के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।